हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल जय जगन्नाथ। मेरा आज जो ब्लॉग है वो आइकॉन का कंट्रोलर है विथ ARD, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो तब तक चलो मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। अब मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, और मुझे नया नया ऐसा वीडियो बनाने को मज़ा भी आता है। आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तो चलो मैं आपको बैक कैमरा करके डिटेल्स बताता हूँ। अभी अपन पेट्रोल भर के मिशन पे निकल गए। गाड़ी अभी मेरा जो असिस्टेंट है मेरे साथ है आज, जो मधुकर भाई, वो चला रहे। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मुंबई का नज़ारा ऐसा है, सवेरे की 9:30 बज रहा है अभी। तो ट्रैफिक थोड़ा सा अभी ये नहीं है, तो ये मुंबई के ऑटो है। अपन जो निकले अभी कॉल के लिए, वो आइकन का कंट्रोलर है, वो कॉन्ट्रेक्टर को अपन देख के उसको मॉडिफिकेशन किए थे, चेक करने के लिए जा रहे। तो उधर पहुंचने के बाद दिखाऊंगा एक्चुअली में वो बराबर काम किया है कि नहीं है। फिर अपन अभी साइड पे, जब तक पहुंचते नहीं तक जब तक साइड में अपन पहुंचते नहीं, मैं आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखो मधुकर भाई हमारे, ये पीछे में बैठ के ये कर रहा हूँ अभी। ये जो है मुंबई के थाना एरिया है, थाने के एरिया में अभी बहुत डेवलप हो गया है। अभी ये नज़ारा ऐसा है कि बहुत बदल गया मुंबई। पहला ये यही रोड पे मैंने आज का, आपको 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 15 साल पहले जब मैं स्टार्टिंग में लाइन पे था, मैं इस साइड पे घुमा कर रहा था, इतना जंगल रास्ता था। ये ही रोड, ये अभी हम जिस रोड पे जा रहे हैं इसी रोड पे इतना जंगल वाला रोड था कि अकेला जाने को डर लगता था। अभी देखो कितना डेवलप हुआ है ये रास्ता। ये है, अपन थोड़ा सा स्पीड से गाड़ी चला रहे अभी। अभी अपन जो बिल्डिंग में जाएंगे, ये देखो अभी ये कलकत्ता का जो है दशहरा का जो पंडाल लगने वाला है वो उधर अभी बन रहा है। उधर जो है वो कलकत्ता का कारीगर आके बनाते हैं हमेशा। यह है मेन रोड पे पोरबंदर रोड, जो अपन निकल गए, ये पोरबंदर रोड है मुंबई के थाने के। ये देखो ये हो गया, जो बिल्डिंग दिख रहा है वो हीरानंदिनी की बिल्डिंग है, हीरानंदिन डेवलपर जो बिल्डर है उसकी बिल्डिंग है ये। सबसे मतलब अभी थाना का जो टॉप एरिया बोलेगा तो यही है अभी पोरबंदर रोड का, जो एकदम क्लीन है। और ये जो पॉइंट दिख रहा है वो एक्सीडेंट पॉइंट है। हमेशा यहाँ पे गाड़ी आपको हर 7 दिन में एक गाड़ी इधर एक्सीडेंट आपको दिखेगा ही दिखेगा वो, क्योंकि ये इसी रोड पे मैंने हमेशा अप डाउन करता, मुझे मालूम है। अभी हम लॉकडाउन अपने जो साइड है मंजिल वहाँ तक पहुँचने पहुँचने वाले, जस्ट अभी 2 मिनट की दूरी है जो अपना साइड है। अभी साइड में जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा वो कंट्रोलर के बारे में डिटेल्स में, आपको बताऊंगा क्या है क्या नहीं, और वो लोग ने क्या अपडेट किया है ARD, अपना जो आइकॉन का कंट्रोल विथ ARD वाला। ये है हमारा साइट, ये जो दिख रहा है जो बिल्डिंग है विथ, ये साइट है हमारी कंपनी के। यहाँ पे अभी मैं आया हूँ, अभी हम बिल्डिंग के अंदर घुस रहे। ये है हमारे साइट, अभी पहुँच गए। इसके रामपुर वॉचमैन को जरा मुलाकात करेंगे, मुलाकात करके अपना ये करेंगे। ये हो गया जो कंडक्टर जो है ARD वाला कंट्रोलर है, ये देखो। और ये विथ ARD पैनल है, मतलब यहाँ पे ARD अलग से लगाना नहीं पड़ता है, विथ ARD कंट्रोलर है। ये लेटेस्ट मॉडल है आइकन कंट्रोलर का, ये एकदम पहले के जैसे इजी कार्ड है, कॉल एकदम जीरो है। ये हो गया आपका ARD कार्ड, ये हो गया मेन कंट्रोलर का फंक्शन मदरबोर्ड है। इसका डायग्राम है जो कैसा नया, वो लोग ने थोड़ा बहुत चेंज किया है, ज़्यादा नहीं है, मैं उसके बारे में आपको आज बताऊंगा। यहाँ पे जो लगाया है देखो, एक उसका ड्राइंग, पहला ड्राइंग भी नहीं देता था, अभी ड्राइंग के साथ उसने अभी ये कर रहा है, कंट्रोलर भेज रहा है। ये हो गया है कंट्रोलर का जो ड्राइंग है इसने दिया है। ये देखो आपका पहले जब जाओगे ऊपर, ये बाजू, ये देखो प्लस 12 माइनस जो है DC पर सप्लाई जो आपका नीचे जाता है, उसके बाद आपका इंडिकेटर का वायर है जो कि ABCD दिया हुआ है, वो सेम है कंट्रोलर में, कनेक्टर में ऐसा है।
सेम टू सेम कनेक्टर में भी वो दिया हुआ है, मैं आपको ये दिखाऊंगा। तो उसके ऊपर ड्राइव का, जो कोई भी ड्राइव अपन यूज करते हैं, अपन कोई भी ड्राइव अभी अपन यूज करते हैं ना, ये देखो लिखा है आइकन कंट्रोलर सिस्टम, यहाँ पे लिखा हुआ है एसकावा ड्राइव, यहाँ पे फीजी का फीजियो एसी, जो भी ड्राइव का जो पैरामीटर कैसा कनेक्शन करना है वो सब उसमें, ये देखो इनविट का ड्राइव कर दिया है, आई इनविट का ड्राइव कर दिया है, सब डिटेल्स है ना ड्राइव का, उसमें ने सब भेजा है कि कनेक्शन कैसा करना है, क्योंकि पहले जैसा प्रॉब्लम नहीं आता है अभी कनेक्ट। आप ड्राइव कोई भी ड्राइव लो कंट्रोलर में, आप ड्राइव के हिसाब से इधर लिखा हुआ है ऑफ रिवर्स फॉरवर्ड सब लिखा हुआ है, जैसा ड्राइव में कनेक्शन है वैसा भी वायर वैसे हिसाब से अपन को कनेक्शन करना पड़ेगा। अभी बचा ही है आपका, देखो दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप देखोगे कनेक्टर में स्पीकर दिया हुआ, पहला स्पीकर, स्पीकर का दो वायर है, उसके बाद 12 वोल्ट प्लस है, 12 वोल्ट माइनस है, उसके बाद देखो ए बी सी डी चालू होता है यहाँ पे, ए बी सी डी करके ये यहाँ पे ख़त्म होता है, उसके बाद आप यहाँ पे दिख रहा है ऑफ का एरो है, ये डाउन का एरो है, उसके बाद डी ओ बी का है, ठीक है, उसके बाद बजर है, बजर जो क्या, बजर का काम क्या है, जब अपन कॉल देते हैं तो कॉल बुक होने का टाइम पर वो बजर बजती है, वो बजर उसके लिए दिया हुआ है, डीओबी अलग है बजर अलग है। उसके बाद अपना ये देखो येलो कलर का दिया हुआ है एल माइनस है, ये हो गया आपका जो है एल वन एल टू जो लिखा हुआ है वो लैंडिंग कॉल का, यहाँ तो हो गया L7 तक लैंडिंग है, 7 माले का करना लिफ्ट है, उसके बाद देखो उधर सी माइनस लिखा हुआ है, उसके बाद आपका कॉल का जो वायर है जब अपन अंदर से बटन दबाते ये 7 माला तक हो गया C7, उसके बाद हो गया ये देखो आपका कमन और डिजिट लिखा हुआ है डिजिट, ये जब लेवल पे रुकता है ये डोर जूम के लिए काम करता है, उसका कमन ये है, उसके ऊपर आपको ये देखो काउंट लिखा हुआ है, ये एक डिजिट हो गया आपका, ये रीड स्विच काउंटिंग जॉब है, आप 7 स्टैंडर्ड समझ के आप मत ये करो, ये 7 स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब ये काउंट जॉब है, ये डिजिट दिया हुआ अलग से डोर जूम के लिए, और ये काउंट दिया हुआ है CNT मतलब काउंट है, दोनों का कमन एक ही है, वो अभी एक जब फ्लोर बाई फ्लोर जब जाएगा ये काउंट करेगा, एक दो जैसा अपना नंबर चेंज होता है इसमें काउंट होता है, वो काउंट होएगा तो नंबर चेंज होएगा, उसके ऊपर दिया हुआ है फायर, उसके बाद में दिया है ऑटो अटेंड का, अब अपन अटेंड में डालेंगे तो अपना अंडर में लिप चलेगा, उसके बाद आया आपका ये MT1 MT2 मेंटेनेंस में इसका वायरिंग होता है, मेंटेनेंस वन मेंटेनेंस टू जो कि एक वायर जाएगा, मेंटेनेंस के वायर में टॉप का जो काटअप के ऊपर मेंटेनेंस रहता है उसमें घूमता है, ये होगा UPM DNM, ये आपको मालूम रहेगा, ये डाउन में चलाने के लिए, ये ऑफ में चलाने के लिए, एक हो गया दो मेंटेनेंस का वायर है जो कि 24 वोल्ट जाता है, और 24 वोल्ट मेंटेनेंस अपन जब ये करते तो मेंटेनेंस मोड में आएगा, फिर ये दो दो वायर है उसका रेड कलर का वो दिख रहा है आपको, ये मेंटेनेंस में चलाने के लिए, उसके बाद आ गया 24 वोल्ट का आपका सर्किट आई, ये अभी यूजली अपन लिया नहीं है, ये बजर के लिए अपन अलग से सर्किट बनाए हैं, उसके बाद में आपको मैं एक बार वो बता दूंगा, ये EPS के लिए अपन यूज़ किए थे, अभी नहीं ये किए, अभी ये देखो ये UPS का कनेक्शन दिया हुआ है, जैसा कि अपन ARD बोलते हैं ना ARD, UPS मोड के लिए जब जाएगा तो उसका सिग्नल इसमें कमन, ये देखो UPS सॉरी ये UPS का कमन नहीं है, ये आपका क्या मालूम है कि ये कमन और ऑफ स्लोइंग और डाउन स्लोइंग के लिए डाला हुआ है, ये जो कमन लिखा हुआ है ये ऑफ का स्लोइंग का कमन है और ये डाउन का स्लोइंग, जब अपन 7 माले पे आते हैं तो कभी कभार क्या काउंटिंग मिस होता है, काउंटिंग फेल होता है, तो ये लिमिट है, ये लिमिट के ऊपर स्लो करते हैं उसको, अप का क्लास अप स्लोइंग लिमिट है, ये डाउन स्लोइंग लिमिट है, इसका वो दोनों का हो गया कमन, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है आपका यहाँ से सेफ्टी सर्किट चालू होता है, जो कि अपन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सेफ्टी सर्किट है, सेफ्टी सर्किट में क्या होता है, ये T1 T2 फाइनल लिमिट का हो गया आपका, OSG1 ये OSG है जो आपका ये गवर्नर ऊपर का जो लिफ्ट रूम का जो गवर्नर स्विच है उसका हो गया, उसके बाद CG1 ये CG से जाएगा कारगेट, सिर्फ कारगेट से घूम के ये ऊपर आएगा, कारगेट और जो भी ऊपर का जो SOS स्विच है
स्टॉप स्विच है इसके, तो CG1 से जाएगा और CG में कंप्लीट होएगा। उसके बाद ये OS1 से उसका वहाँ से जो ये होएगा, ये जो दिया हुआ है ब्लैक कलर, OS1 से जाएगा ब्लैक कलर, इधर डमी दिया हुआ है इसमें नहीं है, उसके बाद में रेड कलर का OS लिखा हुआ है उसमें, ये दोनों हो गए आपका लॉक है। ये जो है पहला अभी के सब सब में ऐसा सीरीज में डाल के उसमें ये करता है, ये सेफ्टी सिक्योरिटी पीएम के सेपरेट सेपरेट दिया हुआ है, जैसा कि वायरिंग करने में बहुत ईजी रहता है। T1 T2 हो गया आपका दोनों का, ठीक है, फाइनल का लिमिट डाल दो उसमें। फिर हो गया ये OS1 OS OSG1 OS OSG, जो कि गवर्नर का दो वायर लेके आओ उसमें डाल दो। फिर ये टारगेट का जो दो वायर आपका आएगा, जो भी अपन टारगेट में अपन घुमाते टॉप में स्टॉप स्विच हो, केबिन का स्टॉप स्विच हो, वो दो वायर आया दोनों में डाल दो। फिर ये दो वायर आया, ये दो वायर को हो गया लॉक का वायर। पहला कैसा होता, उसमें से निकाल के लूप करके फिर यहाँ से ये सब झंझट जो है खत्म कर दिया वो लोगों ने। उसके बाद में TL लिखा हुआ है, ठीक है, ये TL जो है टर्मिनल है, ये डाउन टर्मिनल और ये ऑफ टर्मिनल, ये जो TL है उसका कमन है, ठीक है। ये हो गया RR+ RR-, ये तो आपको मालूम रहेगा, रिटेरिंग कैम का रिटेरिंग कैम प्लस है, रिटेरिंग कैम माइनस है। उसके बाद है आपका ब्रेक आ गया, ये ब्रेक माइनस ब्रेक प्लस है। उसके बाद ये जो है आपका ऑटो फैन का हो गया, ये 230 सप्लाई जो लाइट और फैन के लिए जाता है। और कोई जानकारी रहेगा आपको तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। कॉन्ट्रेक्टर भी इसमें एकदम हाई क्वालिटी का यूज़ किया हुआ है, इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। ये हो गया आपका म्यूजिक कार्ड, ये रेक्टिफायर कार्ड, ये हो गया आपका ARD कार्ड, ठीक है, ये हो गया आपका सिंगल फेस परमिनेटर जिसको बोलते हैं जे रिले, ठीक है, ये हो गया आपका बैटरी का जो सप्लाई, इसमें से अपन जो बैटरी ID चेक करते थे उसको बंद करके आप ये करके अपन चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये 230 का जो सप्लाई का, ये अलग से वो लोग ने लगा के दिया ARD के लिए। अपना मेन कंट्रोलर का जो ये है ट्रांसफार्मर है, ये है ARD का ट्रांसफार्मर है, ये अलग अलग से मस्त। तो उसने अभी एकदम जीरो कॉल है, काम करने के भी जी है, कंपटीशन इतना हो गया कि सब कंपनी का कंट्रोलर है वो एकदम अपडेट करते जा रहे हैं। तो कोई भी जानकारी आपको चाहिए मैं आइकन के कंट्रोलर के बारे में, सेफ्टी सर्टिफिकेट या कुछ भी प्रॉब्लम मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा।